फ्यूचर में देखा जाएगा, अभी थोड़े कम सन्यासी, जब एकदम प्योर सन्यासी बन जाएंगे तब। हम लोग घर जा रहे हैं। यस सर, हम लोग घर जा रहे हैं। वेलकम बैक टू निशाज रेनबो। दोस्तों, आपको ले चल रही हूँ अपने साथ आज पूरे दिन के सफ़र में। शाम को हम लोग 5 बजे निकले हैं और पहुँचे थे हम लोग 12:30 बजे रात में लखनऊ। तो लखनऊ में पतिदेव के कुछ ऑफिशियल काम थे तो उसके लिए उनको जाना था, अकेले नहीं जाने देने का मन था। तो हम भी जाने दीजिए, एक तो अच्छा काम लग रहा है, अच्छी तरह आई हूँ। ठीक है ना, बच्चे ने बनाया, क्या हुआ? जला दिया एंजेल। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप्स हैं गाइस। चॉकलेट सैंडविच बनाया था मेरी नंद की बेटी ने, भांजी है मेरी, छोटी है लेकिन उसने अपना बहुत अच्छा ट्रायल किया था, अच्छा लगा। हम लोगों ने भी देखा उसको, तो थोड़ा सा एम्बेरस हो रही थी कि मत दिखाओ मामी, बट मैंने शूट कर लिया था। और यहाँ पे पतिदेव के साथ निकल चुकी हूँ, कुछ मुझे भी ज़रूरत थी, यहाँ पे काम था तो इसलिए। अब यहाँ की ये कौन सी मार्केट है गाइज़, ये तो मुझे नहीं पता, ये हाई कोर्ट है। तो बहुत अच्छा व्यू आ रहा था, इतना क्लियर स्काई देख रहे हैं आप, तो बहुत अच्छा लग रहा था, सो मैंने कैप्चर कर लिया इसको। और ये हाई कोर्ट का बैक साइड में है, तो हम लोग पूरी रोड का टूर लेकर आ रहे थे, टर्न करके उसको पूरा। क्या पैक कर दो? अब्रू क्या खा रहे हो? चुरा चुरा के लड्डू चुरा के खा अब लड्डू चुरा के खा रहे हैं। हमारा कल से क्या अंदर ज्यादा बना ही नहीं रख दी हम, जब कोई खाए। अर्श पलट, सब बच्चे सो रहे हैं, सब सोने चले गए। कहाँ है? यहाँ तो है ही नहीं है। कौन कौन सो रहा है? देखिए गाइस, शाम के 6 बजे लोग सो रहे हैं। देखिए सोने का स्टाइल, देखिए दांत निकाल के सो रहे हैं। गुड मॉर्निंग बेबी। ये तो रियल में सो रही है, फेक सो रहा है। ऋषि नींद आ रही है? बाल नहीं कटवाने हैं? ऋषि बोल रहे हैं मामी मेरे बाल में चुटिया बांध दो। है ऋषि, रबर बैंड ही नहीं घर में? नहीं, मामी लेके आई है। बांध दो। अच्छा गाना सुना दो कोई। गाना सुनते ही सुनाऊंगा क्या? फिर क्या सुनते? कहानी कहानी सुना दो। अच्छा जोक ही सुना दो। चलो जोक, मैं बहुत सिंपल लड़का हूँ ना, मैं ये सब से दूर रहता हूँ। मोह माया है ये सब, जो मोह माया है पढ़ाई लिखाई सब मोह माया है, सब मोह माया है, सबसे दूर। सन्यासी आदमी मैं, पंडित आदमी। तो चल सन्यासी मंदिर में। नहीं, वो सब फ्यूचर में देखा जाएगा, अभी थोड़े कम सन्यासी, जब एकदम प्योर सन्यासी बन जाएंगे तब। हम लोग घर जा रहे हैं। यस सर, हम लोग घर जा रहे हैं। और यहाँ वापसी का सफर हमारा जारी है। दोस्तों, हम लोग अब जा रहे हैं वापस नोएडा, और हमें रात आज तो बहुत ही लेट हो गया है। ये वहाँ का देखिए, शायद कोई मॉल है, आई डोंट नो कौन सा है, पैल्सियो क्या है पता नहीं, तो ये शायद मॉल है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। और वहाँ की कुछ बिल्डिंग्स जो हमारे रास्ते में पड़ी थी वो मैंने कैमरे में शूट कर ली, आप देख सकते हैं। अगर आप जानते हो इन बिल्डिंग्स का नाम तो ज़रूर बताइएगा मेरे कमेंट सेक्शन में आकर दोस्तों। और ये सफ़र बहुत ही लंबा होने वाला है, हम लोगों की पूरी ओवरनाइट जर्नी थी। ये पीछे मैंने आपको मेदांता का क्लिप दिखाया था, और हम लोग सड़क पर ही हैं, और ये बहुत ही लंबा टूर होने वाला है क्योंकि दूरी तो आप सभी जानते हैं बहुत दूर है ही है। ये यहाँ का कोई शिल्प हाट था तो वो भी थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा था, तो मैंने ले लिया था पिक्चर्स इसकी। और आप ये देख रहे हैं ना सड़क पर चलते हुए, ये ऊपर लगी हुई लाइट्स और नीचे इतना खूबसूरत नज़ारा था। ये देखने में तो इतना खूबसूरत नहीं लग रहा है दोस्तों, बट उस समय जो हम लोग देख रहे थे ना, इतना खूबसूरत लग रहा था, लग रहा था जैसे आसमान से तारे उतर के ज़मीन पर आ गए हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था।
और बस इन लाइट्स को कैप्चर करते करते ना पूरी रात निकल गई और नींद ही नहीं आई। एक दिन पहले जब हम लोग गए थे तो रास्ते भर बहुत नींद आती रही। और मैं आपको बता दूं, जिस दिन जा रहे थे हम लोग और जिस दिन आए, नेक्स्ट डे ही आ गए हैं, लेकिन इतना आंधी तूफ़ान और बारिश का सामना करना पड़ा हमें रास्ते में। दोनों ही दिन यही सिचुएशन थी, आंधी भी बहुत आ रहा था, तूफान भी था और बारिश भी हो रही थी। तो आप देख रहे हैं ना, ये इतना सुंदर नज़ारा लग रहा था कि अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे हम लोग। और सारा टाइम यही था, पूरे रास्ते की ही क्लिप्स बना डाली थी हमने, तो वो मैंने यहाँ पर एडिट करके आपको सर्व भी कर दी है। तो एंजॉय करिए, कभी कभी ना लंबे रास्तों पे चलने में भी बहुत मज़ा आता है। हालांकि दूसरे दिन मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब हो गई क्योंकि ओवरनाइट जर्नी थी और मेरी हालत बिल्कुल ख़राब थी, मैं सो नहीं पाई थी बिल्कुल। और बस इसी तरीके से है वीडियो, एंजॉय करिए आप लोग। आपसे मिल रही हूँ मैं दो तीन दिन के बाद। आपको अभी ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें हम लोग सडनली लखनऊ जाना पड़ा था हमें, क्योंकि पतिदेव का हेड ऑफिस वहीं पे है और कुछ ज़रूरी काम था उनको ऑफिस रिलेटेड, तो जाना था। और क्योंकि कोरोना की वजह से बाई ट्रेन बाई फ्लाइट नहीं जा सकते हैं, तो वो जा रहे थे बाई रोड। और वो बाई रोड जा रहे थे तो यार मन नहीं कर रहा था कि फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगी, क्योंकि सेम डे की अगर फ्लाइट मिल जाती तो वो मॉर्निंग में जा करके और सारा अपना ऑफिस वर्क करके शाम तक आ जाते। पिछली बार यही किया था उन्होंने, बट इस बार पॉसिबल नहीं था क्योंकि केसेस फिर से इंक्रीज हो रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि मैं बाई रोड निकल जाता हूँ और यहाँ नोएडा से लखनऊ 7-7.5 घंटे लग जाते हैं बड़े आराम से। हम लोग नॉन स्टॉप जाने वालों में हैं, हम कहीं भी रुकते नहीं। तो उस दिन हस्बैंड को जाना था तो मैंने कहा कि चलते हैं यार, साथ में ही चलते हैं, जितना मतलब आप अकेले क्या करोगे गाड़ी में, कितनी देर तक बोरियत होगी, कोई बोलने चालने वाला हो तो ठीक रहता है, तो एक हम लोग की भी आउटिंग हो जाएगी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरी नंद रहती हैं वहाँ पे लखनऊ में, तो हम लोग उनके यहाँ ही चले जाते हैं। तो निकल गए थे हम लोग साथ में, तो रास्ते की क्लिप्स तो मैंने कुछ ऐड करी, लेकिन जिस दिन जाना था उस दिन मैं बहुत थकी हुई थी क्योंकि मॉर्निंग में ही मैंने सारी प्रिपरेशन की। और हम लोग निकले भी यहाँ से हैं लगभग 5 बजे के करीब, शाम को 5 बजे हस्बैंड को ऑफिस से आने के बाद हम लोग निकले हैं, और वहाँ पहुँचते हुए हमें 12-12 बज गया था। नॉन स्टॉप ही गए थे और नेक्स्ट डे उनका वर्क सारा जो ख़त्म किया इवनिंग तक, फिर हम लोग थोड़ी देर के लिए रुके थे कि हाँ मतलब मेरी नंद के यहाँ थे तो हम लोग, लेकिन टाइम नहीं स्पेंड कर पाए थे लगातार ये भागा दौड़ी में। तो शाम की चाय हम लोगों ने ली साथ में, थोड़ी देर बैठे बातें बातें की, उसके बाद निकले। तो निकलने में थोड़े से हम लोग भी लूज़ पड़ गए थे, लेकिन ये था कि श्योर शॉट पर निकलना तो है ही है,
तो थोड़ी बातें बातें की इधर उधर की, और उसके बाद हम लोग निकले वहां से लगभग 8:15 के करीब, और रात में 2:30 पे 2:30 बजे हम लोग नोएडा पहुंच गए थे। तो पूरी रात जर्नी की थी और जगे थे हम लोग थ्रू आउट। बच्चे गाड़ी में बैठने के बाद थोड़ी देर सो गए थे, लेकिन फिर नींद नहीं आई पूरी रास्ते ना, हम लोग बातें ही करते रहे और सब। और उसका नतीजा ये हुआ कि मॉर्निंग में आए हम लोग, मतलब 3 बजे करीब आए, 3:30 बजे। उसके बाद चीज़ों को, सारे सामान को सैनिटाइज किया, रख दिया, ड्राइंग रूम में ही छोड़ दिया था सब कुछ। हम लोगों ने कपड़े चेंज किए, हाथ पैर धुला और उसके बाद सो गए थे। दूध रखा था क्योंकि मॉर्निंग का, क्योंकि श्योर नहीं था जाना है कि नहीं जाना है हम लोगों को, जब तक उनकी पतिदेव की हरी झंडी नहीं मिल जाती हम लोग कहीं जा नहीं पाते। तो उनसे हमने हरी झंडी जब मिल गई तब हमने प्रिपरेशन की। तो फिर भी यार आपके साथ बच्चे हैं तो आप ऐसे ही नहीं उठ के चले जाओगे कहीं ना, कुछ तो बच्चों के हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ता है। तो मेरी जो कुक है उनको मैंने बुला लिया था, मैंने कहा तुम खाना बना दो, रास्ते के लिए हम पैक करके ले जाएंगे, बाहर तो कहीं खा नहीं सकते, और कुछ स्नैक्स आइटम वो सब मैंने रख लिया था। तो ये थोड़ी सी चीज़ें होती हैं जो यार मैं करके निकलती हूँ, क्योंकि बहुत कई बार ऐसे मेरे साथ धोखा हो चुका है कि जब मैंने कुछ नहीं रखा है तो मुझे बाहर भी कुछ नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं प्रिपरेशन करके चलती हूँ कि बाहर कुछ मिले या ना मिले, अपने पास तैयारी होनी चाहिए पूरी। फिर वहाँ से निकले तो हाँ, रात में फिर मेरी नंद ने इनके लिए अलग खाना बनाया, हम लोगों के लिए अलग से पैक करवाया, हेल्प की मैंने थोड़ी बहुत। लेकिन गाइस आप जानते हैं, दूसरे के किचन में, किसी का भी हो यार, किसी और के किचन में जहाँ आपकी आदत नहीं है काम करने की, चीज़ें ना आपको पता ही नहीं होती हैं। फैक्ट ये है, आपको पता ही नहीं होता क्या कहाँ रखा है, तो आप करोगे क्या? आपको बहुत, आप कर लेते हो कोई काम, लेकिन दूसरे के किचन में नहीं हो पाता है। तो मैं बस उनकी हेल्पर बनी हुई थी, जो उनके आदेश हो रहे थे वो मैं कर रही थी, बस इतना हो रहा था। और किसी से इस बार मैं मिला नहीं पाई, थोड़ा मैं वहाँ पे कैमरा ऑन करना ही भूल गई, टू बी फ्रैंक नहीं याद रहा। लास्ट में जब निकलना था तब थोड़ा सा मैंने ऋषि को कैप्चर किया था, एंजल उस समय सो भी रही थी, मेरी नंद के बच्चे हैं दोनों। तो ज़्यादा किसी से मुलाकात मैं करवा नहीं पाई, क्योंकि फिर हम लोग बातों में इतने मशगूल हो गए कि ध्यान से उतर गया कि ये भी मेरी लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। चलिए, जितना भी है क्लिप्स, आई होप आप लोग एंजॉय करेंगे। और हाँ, तो कल आने के बाद ना, फिर मॉर्निंग में हस्बैंड का ऑफिस था, मैंने खाने के लिए फिर बुला लिया था अपनी कुक को। मैंने कहा यार मेरे से नहीं होगा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। और गाइस वहाँ से निकली थी मैं लखनऊ से, तभी मैंने अपनी नंद से मांग के सर दर्द की दवा खाई थी, और यहाँ लौटने के बाद भी वो सर दर्द मेरा अभी तक पता नहीं क्यों बना हुआ, इतना लंबा सर दर्द मुझे होता नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे अभी भी बना हुआ है। कल भी मैंने आने के बाद भी लिया था, और कल लिटरली मेरी इतनी हालत खराब थी, 2:30 बजे मैं नहाई हूँ, फिर खाना खाया, उसके बाद मेरा ना ये आधा सर, इधर का लेफ्ट साइड का आधा सर और ये वाली आँख, इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी कि मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर मैंने इवनिंग में भी खाना बनाने के लिए रूबी को बुला लिया था, मैंने कहा यार आके आप बना दो, मेरा एकदम दम ही नहीं है। तो आकर के उन्होंने चाय भी बनाई, चाय भी पिलाया, और थोड़ा सा सुकून तो आया बट आराम नहीं आया था। हस्बैंड ने कहा कि मे बी तुम रात में जगी हो इसलिए तुम्हें हो रहा है प्रॉब्लम, सो जाओ अच्छे से, नींद पूरी हो जाएगी तो ठीक लगेगा। आज सुबह फिर मैंने सारे काम रूटीन पे आए किया सब कुछ। तो ये थोड़ा सा 2-3 दिन का जो ज़िगज़ैग हो गया ना, फिर मैं इसमें कोई शूटिंग नहीं कर पाई, कुछ शूट नहीं किया मैंने, बस वही रास्ते के क्लिप्स हस्बैंड ने और बच्चों ने बना लिए वो मैंने डाल दिए, मैंने स्पेशली कुछ भी नहीं शूट किया, थोड़ा सा बस ऋषि से जो बात की थी वो अकेले कैप्चर किया था मैंने, अदरवाइज कुछ भी नहीं। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एफर्ट करते हैं यार हम लोग, बहुत सारा एफर्ट लगता है चीज़ों को करने में, बनाने में। एक वीडियो सिंपल सी जो देखने में तो लगती है अच्छा ऐसा तो कुछ खास था नहीं इसमें, लेकिन उसमें भी ना बड़ा टाइम, बड़ा मेहनत, बड़ा प्रयास लगता है यार। तो कम से कम उस मेहनत के लिए एक लाइक तो कर ही दीजिए,
और आप लोगों का प्यार हमेशा ऐसे बनाए रखिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।